अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आपका टीचर इस वक्त इंग्लिश मास्टर चैनल पर स्टैटिस्टिक पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक का जो टॉपिक है मेरे पास, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझानत के पैमाने, जो एवरेजेस मालूम करने के लिए है, यानी औसतें मालूम करने के लिए। इसमें हमने अपने शुरू के लेक्चर में बता दिया था कितनी औसतें इस चैप्टर में दी हैं, यानी अर्थमेटिक मीन दिया गया, दूसरा फिर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ये पांच तरीके से आप जो है एवरेज मालूम कर सकते हैं। अभी तक जो है हम आज जो करेंगे हमारा लास्ट होगा मीडियन मुकम्मल, दो तरीके मुकम्मल हो जाएंगे एवरेज मालूम करने के। इससे पहले हमने अपने लेक्चर में मीडियन शुरू किया था अनग्रुप डेटा से, और अनग्रुप डेटा में जो है मीडियन मालूम करने के दो तरीके थे। एक ओड डेटा, अगर डेटा ओड जैसे 3, 5, 7 इस तरह की फिगर जो तकसीम नहीं होती दो पे, इस शक्ल में डेटा होता है, इन नंबरों में होता है जो दो पे तकसीम नहीं होती, तो उसका तरीका बताया था ओड नंबर में हम कैसे मीडियन बताते हैं मालूम करते हैं। फिर इवन नंबर का डेटा जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस शक्ल में अगर डेटा हो, यानी ये कि इवन नंबर में हो, जब उसकी गिनती करें हम डेटा की, तो या तो 6 हो रहा हो या 8 हो रहा हो या 10 हो रहा हो या 12 इवन नंबर के अंदर आ रहा हो, तो जिससे हमें सेंटर वैल्यू नहीं मिलती, हम उस सेंटर वैल्यू दो वैल्यू के बीच में होती है बिल्कुल सेंटर की, जब हम अरेंज करते हैं डेटा, तो हमने वो बताया आपको वहाँ पे उसके अंदर करके, यानी मीडियन का अनग्रुप डेटा हमने मुकम्मल करा दिया। आज हम मीडियन का ग्रुप डेटा यहाँ कराएँगे। ग्रुप डेटा ज़रा थोड़ा सा चेंज है उसको हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन ले रहा है। इसका डेटा आपको इम्तिहान में इस तरह दिया जाएगा, एक कॉलम दे दिया जाएगा क्लास इंटरवल का, जैसे या CI लिख देंगे क्लास इंटरवल, या कोई नाम ले दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम ग्रेड्स। इससे पहले मैं CLI लिख चुका हूँ, अर्थमेटिक में CI लिखा था क्लास इंटरवल, यहाँ ग्रेड लिख देता हूँ, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी आपको, फ्रीक्वेंसी ये दो कॉलम हो गए, एक एक कॉलम और ये दो कॉलम हो गए। ये आपको सवाल दिया जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स से मुराद ये है कि नंबर, मार्क्स को हम ग्रेड कहते हैं, मार्क्स यानी स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, नंबर हासिल किए हैं इम्तिहान में, तो ग्रेड क्या आ रहे हैं उसके, 21 नंबर से लेके, हमने एक ग्रुप बना लिया 21 नंबर से लेके 24 नंबर तक का एक ग्रुप है, इस रेंज में कितने स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए हैं 100 नंबर के पेपर में से स्टेट्स के, तो ये ग्रेड्स हैं 21 नंबर से लेके कम से कम 21 और 24 के दरमियान में, या 21 भी शामिल है इसमें और 24 भी शामिल है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, तो सवाल में दिया गया है एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 21 से लेके 24 वाले ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट ने नंबर हासिल करे हैं, ठीक है। एक और ग्रुप बना लिया 25 से लेके 24 के बाद, 25 से लेके 28 नंबर तक कितने लड़कों ने नंबर हासिल करे हैं, एक नंबर, फ्रीक्वेंसी दी गई है 1। इसी तरह सवाल के अंदर कहा गया है 28 से 29 से लेकर 32 तक नंबर हासिल करने वाले लड़के कितने हैं, क्लास में 5 लड़के हैं। फिर 33 नंबर से लेकर 33 मार्क्स से लेकर 36 मार्क्स तक कितने लड़कों ने हासिल किया है क्लास में, तो पता चला 11 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिन्होंने 33 to 36 इस रेंज के अंदर आ रहे हैं वो नंबर हासिल करने वाले। फिर 37 से लेके 40 तक कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं। फिर 41 से लेकर 44 तक कितने स्टूडेंट हैं, वो 2 स्टूडेंट हैं। इस तरह ये स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी में तादाद आ जाएगी, तादाद कितनी बनती है इसके अंदर,
एक दो सात सात और 18, 18, 19, 20, 25 स्टूडेंट की तादाद बनती है। क्लास में 25 स्टूडेंट एक टेस्ट में बैठे थे 100 नंबर के, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासें बना ली हैं लड़कों की। एक पहली क्लास ये है, पहला ग्रुप या क्लास, कम लोअर क्लास इसकी स्टार्टिंग ये है और अपर क्लास बड़ी क्लास इसकी ये है बड़े दस, यानी इस रेंज से लेके इस रेंज तक कितने नंबर हासिल करने, ये नंबर हासिल करने लड़के क्लास में एक है, इससे लेके इस तक इस क्लास में एक लड़का आ रहा है, इस क्लास में 5 लड़के आ रहे हैं, इस क्लास में या इस ग्रुप में 11 लड़के आ रहे हैं, इस क्लास या ग्रुप के अंदर 5 इसमें ही है। इसको लोअर क्लास बोलते हैं, इसको अपर क्लास बोलते हैं। लोअर को स्मॉल एल से जाहिर करते हैं और अपर को स्मॉल यू से जाहिर करते हैं, यू माने अपर और एल माने लोअर, ठीक है। ये अपर क्लासे हैं, ये लोअर क्लासे हैं। इन दोनों क्लासों के अंदर डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 21, 22, 23, 24, 25 21 को भी काउंट करेंगे, 24 को भी काउंट करेंगे, 5 का हर क्लास में 5 का डिफरेंस है। 25, 26, 27, 28 यहाँ डिफरेंस जो है एक जैसा नहीं है, यहाँ डिफरेंस इसमें 4 का आ रहा है। 25, 26, 27, 28 इससे पहले हमें अर्थमेटिक में एक जैसा डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस जो है कम है, या 29, 30, 31, 32 इसमें 4 का आ रहा है, इसमें 5 का है, फिर इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है, 33, 34, 35, 36 इसमें 4 का है, 37, 37, 38, 39, 40 इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है, ठीक है। ये इसकी तादाद है इस क्लास के स्टूडेंट की। ये आपके सामने सवाल आया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हैं 21, 22, 23, 24 नहीं, इसके अंदर भी गिन लेते हैं हम, 4 का ये है, सब इक्वल डिफरेंस आ रहा है, 21, 22, 23, 24 4 का ही डिफरेंस है। पूरे डेटा में जो डिफरेंस आ रहा है क्लासों में, लोअर क्लास एंड अपर क्लास में 4 का डिफरेंस आ रहा है, हर क्लास में 4 का डिफरेंस है। और डिफरेंस को बोलते हैं इंग्लिश में विड्थ, स्टेट्स में बोलते हैं WIDTH विड्थ, विड्थ, और उसको जाहिर करते हैं स्मॉल आई से, स्मॉल आई से विड्थ को जाहिर करते हैं, ठीक है, कि आपकी क्लास के अंदर कितने का फर्क है। तो ये आपसे कहा गया है फाइंड मीडियन। अब चूंकि इसमें सिंगल वैल्यू नहीं है, इससे पहले हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू थी जो अनग्रुप डेटा में दी गई थी, अब इसमें डबल वैल्यू है, एक लोअर क्लास है अपर क्लास है, तो अब इस क्लास के जरिए से हमने अपना मीडियन मालूम करना है, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिखेंगे हम। मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू